Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are learning about vitamin B mnemonic. Okay, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से vitamins होते हैं. There are two types of vitamins, fat soluble and water soluble. To learn both fat and water soluble, the easy trick is CB. CB means for cork bottle. So you have to remember only one. Either fat soluble or water soluble. दोनों में से कोई एक याद रख लो, दूसरे वाला समझ जाना कि उसके अलावा बाकी सब fat soluble है. For example, water soluble हमने याद कर लिया CB से, जैसे कि कॉक और बॉटल. ठीक है, फिर बाकी क्या बचे? A, D, E, K. So ये हमारे हो गए fat soluble. Okay. Now we are going to learn about the vitamin B complex. These are the most confusing vitamins. So let's learn. B1, B2, B3, B5. B4 नहीं है. And the mnemonic for this is these rats need paneer. Okay? These rats need paneer. हर एक का first alphabet उसकी full form होगी. B1 thiamine. B2 riboflavin. B3 stands for niacin. B5 stands for P. P is for pantothenic acid. हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 5 माने पेंटा और पेंटा से P. Okay? So B1, B2, B3, B5. B4 नहीं होता है. So the minimum is these rats need paneer. Okay? Next we have another slot for vitamin B6, B7, B9 and B12. हमारे पास B8 नहीं है. B10, 11 नहीं है. ओके, सो द मिनिमोनिक इज पाइथन बाइट फोर कोबरा. सो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच मिनिमोनिक्स P, B, F, C. तो क्या क्या होते हैं? B6 P स्टैंड्स फॉर पाइरोडॉक्सिन. पाइरोडॉक्सिन हम टीबी की दवाई में भी देते हैं, क्योंकि आइसोनियाज़िडिक मेडिसिन होती है जो टीबी पेशेंट्स को चलती है, और उसमें एक साइड इफेक्ट होता है उसका, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम B6 देते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइरोडॉक्सिन क्यों देते हैं, उसका विटामिन का नाम क्या है? B6. नेक्स्ट इज B7. B7 इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर बायोटिन. ईजी टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट इज 4. द 4 F स्टैंड फॉर फोलेट, या फिर फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं. एंड लास्ट कोबरा. कोबरा का C, साइनोकोबालामाइन. ओके, होप यू ऑल रिमेंबर दिस इजी मिनिमोनिक.